गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं निशा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और हमेशा खुश रहें और अपना ख्याल रखें। तो सुबह हो चुकी है मेरी 5 बजे से, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था लेकिन कुछ कुछ शूट किया, कुछ कुछ नहीं किया। तो सोया बना रही हूँ मैं सोयाबीन की सब्ज़ी और दक्षु अभी तक सो ही रही है बिल्कुल, क्योंकि उसको स्कूल जाने के नाम से वो उठती नहीं है और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन बहुत जल्दी उठ जाती है। तो आज लौकी सोयाबीन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और आजकल आपको पता ही है मैं बाहर वाले चूल्हे में बनाती हूँ, अंदर वाले चूल्हे में बहुत मतलब अंदर बनाती हूँ तो इतनी गर्मी लगती है वहाँ पर रोटी बनाना, और आग में तो गैस में तो इतनी गर्मी नहीं लगती लेकिन आग में तो माशाल्लाह क्या गर्मी है, बहुत बेकार लगता है। तो लौकी बनाई थी तो उसके छिलके थे तो वो मैं भैंस को देने आ गई थी और दक्षु अभी सो के उठी थी। तो रात को गर्मी की वजह से उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना भी उसे बहुत ज़्यादा आता है तो वो रात को ही कपड़े खुलवा लेती है और नहीं खोलते हैं तो रोने लगती है, इसलिए वो ऐसे ही बिना कपड़ों के घूम रही है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे स्कूल के लिए तैयार करना है तो फिर मैं बाद में कपड़े उसको पहनाती इसलिए वो ऐसे ही घूम रही है। तो थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं क्योंकि शाम को अगर मैं रोटी बनाती हूँ आग में तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है, धूप नहीं मतलब गर्मी लगती है, तो मैं सुबह के टाइम ही रोटी बना लेती हूँ और शाम के टाइम चावल ही बनाती हूँ। अगर गैस वैसे बनाती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, पर इसलिए सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो सुबह के टाइम मैं रोटी ही बनाती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी सोयाबीन डाल के, तो आजकल ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है घर पर, जो भी है वो ऐसे ही बना लेते हैं। और खाना आना बन गया था, दक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया था, अब आई थी मेरी अपना चूल्हा साफ़ करने की क्योंकि बाहर है तो साफ़ उसे करना ही पड़ता है और आजकल इतनी हवा चलती है तो इतनी धूल आ जाती है, कचरा मतलब जितना भी झाड़ू लगाओ ना कोई फ़ायदा नहीं होता है, जितना झाड़ू लगाओ थोड़ी देर के बाद वही हालात हो जाने हैं। तो कल है हमारे पास में मतलब बड़े जेठ जी के वहाँ पूजा है तो सारे रिश्तेदार वगैरह आएंगे, तो आज सारी लिपाई उपाई कर ली है घर पे, आंगन पे दीदी और बारू ने लिपाई कर दी थी, मैंने बस अपना जहाँ चूल्हा रखा है मैंने वहीं पे मैंने कहा लिपाई कर देती हूँ क्योंकि वहीं पे सब्जी अब्जी गिर गई है तो वहाँ भी बेकार लग रहा था। और रिश्तेदार आते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई होती है तो बढ़िया लगता है और गंदा होता है तो फिर अजीब सा लगता है। तो बड़े जेठ जी की वहाँ पूजा है तो अब ननद लोग आएंगे तो सब घर पे थोड़ा भीड़ भाड़ होने वाली है कल को, तो मैंने कहा यहाँ पे लोग बैठते हैं क्योंकि धूप में आंगन में तो बैठेंगे ही नहीं और सब थोड़ा अंदर कोई बैठते हैं तो यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई होनी ज़रूरी थी। तो मैंने रोटी और लौकी की सब्ज़ी बना ही ली थी, बस चावल रह गया था तो चावल जल्दी बना लेते हैं तो ठंडा हो जाता है इसलिए मैं सब बाद पहले बना लेती हूँ। और जब खाने का टाइम आता है, जब खाना खाएंगे उससे पहले मतलब 10-15 मिनट पहले चावल बनाती हूँ जिससे गर्म गर्म चावल खा लें हम, नहीं तो जल्दी ठंडा हो जाता है तो ठंडे में मज़ा नहीं आता खाना में। और आजकल पानी इतना पी रहे हैं कि कुछ पूछो मत कि आजकल मेरे घर वालों की क्या बात बताऊँ, इतना कम खाना खा रहे हैं ना, जहाँ मतलब आजकल तो कोई बहुत कम खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है क्यों नहीं खा रहे हैं। कपड़े अपड़े कल मैंने धोए थे तो कल मैं उठा के ही नहीं लाई थी, मैं भूल की थी कपड़े उठाने के लिए, तो आज दक्षु के पापा उठा के ले आए थे, वो उठा के कपड़े ले आते हैं बस फोल्ड वोल्ड नहीं करते हैं, कर तो देते हैं कभी, और आज ऐसे ही रख दिए थे तो मैंने कहा कल अब रिश्तेदार सारे आ जाएंगे तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा तो आज सारे कपड़े अपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे। और दक्षु भी स्कूल से आ गई है और शैतानी करने में लगी है, आजकल वो बहुत शैतान हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ आजकल इतनी शैतानी करने लगी है उसकी स्कूल से भी शिकायतें आने लगी है। सब मक्के के खेत की तरफ ही रहना है क्योंकि इतने जानवर आ गए हैं ना, इतने जानवर आ गए हैं कि कुछ पूछो मत, सब ख़राब कर दिया है, हमने पॉट डाल दी है उसमें चले जाते हैं और मक्के तो आपको पता ही है बहुत सारे हैं तो उसमें सब, तो जो हमने डंडे गाड़े नहीं थे कि जो बाउंड्री बनाई थी वो जानवरों ने सब मतलब जानवर उसके अंदर गए होंगे ना तो 4-5 जो डंडे गाड़ दिए थे वो सब निकाल दिए हैं। तो दक्षु के पापा वहीं गए हैं वो फिर से लगाने के लिए, अगर नहीं लगाएंगे तो आप बताइए सब बिल्कुल ख़राब ही कर देना है उनको, तो आजकल वो जानवरों से बहुत परेशान हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने सारे आ गए हैं ना, इतने सारे आ गए हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं बिल्कुल होंगे ऐसे 8-9-10 तो हैं, बिल्कुल सब बेकार कर रहे हैं, तो जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, देखें
मक्के खेत की तरफ ना। और ये है हमारा मक्के का खेत, और यहाँ पे हमारे बड़े भैया भी आए हैं चारा काटने के लिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा घास हुआ है अभी, तो थोड़ा थोड़ा भैंसों के लिए। ताई ताऊ का खेत है, यहाँ पे बोदी है उन्होंने हल्दी, हमें भी ये बाग दिख रहा है, ये बाग में सब हल्दी लगानी है, हल्दी बोनी है हमें भी, अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, तो यहाँ से वहाँ तक सब हल्दी बो देंगे। तो इसमें हमारी पौध इस बार हो गई है बेकार, तो अभी थोड़ा और इसमें यहाँ और डाल दिया है भैया ने, क्योंकि नहीं तो कम हो जाती है, तो वहाँ इस बार बेकार हो गई, तो थोड़ा और इधर जा। और धूप तो क्या बताऊँ, इतनी हो रही है आजकल, इतनी गर्मी हो रही है कि कमरे में तो रहना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल कमरे में तो इतनी हालत ख़राब, क्या बताऊँ, आजकल पंखे वंखे की हवा तो बेकार है, तो क्या बताऊँ, थोड़ा अभी शाम का टाइम है, थोड़ी बाहर आए हैं तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, और अंदर तो क्या बताऊँ, अभी इतनी गर्मी है, मैं सोच रही थोड़े दिन के बाद कितनी गर्मी लगेगी, और थोड़े दिनों के बाद ये जब लंबी मतलब बड़ी हो जाएगी, उसके बाद हम खेत में पौध लगाएंगे, तो भाई ऊपर से धूप होगी, नीचे से गर्म पानी होगा, और हमारे बुरे हाल होंगे, क्या बताऊँ, उस टाइम तो ऐसा होता है बेहोशी टाइप आ जाती है, कितनी बुरे हाल, तो यह मुझे तो सोच सोच के अभी सदमा लग रहा है, बुखार सा आ रहा है कि कैसे पौधे लगेगी इतनी गर्मी में, क्योंकि अभी से सर बहुत बहुत बो हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, तब देखते हैं, ये ज़्यादा दिन तो लगने नहीं है, 15-20 दिन बाद ये बड़ी हो जाएगी, फिर खेत में मिलेंगे, फिर रोज़ आपको खेत दिखाऊंगी अपने धान लगाते हुए, ठीक है। तो यहाँ आए हैं, यहाँ से जानवर सब अंदर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा डंडे गाड़ते हैं भाई। तो शाम का ब्लॉग शूट मैं नहीं कर पाई, और शाम हो गई थी, और दक्षु आज बिना खाना खा के सो गई है, और मुझे भी सबकी को खाना खिलाना था, तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।